Hey guys, once again, Sriram Chakrut is back and you all guys are watching TechBond. दोस्तों आप सभी लोग का आवाज़ ऐसे बदला बदला सा लग रहा होगा क्योंकि यार वो सर्दियों ने कहर बरसा दिया है मेरे ऊपर। तो यार इन सभी बहानों को किनारे रखते हैं और सीधे बात करते हैं आज किसी वीडियो के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं यार कि आज रियलमी का एक लॉन्च इवेंट था और इस लॉन्च इवेंट में रियलमी ने दो फोन्स को अपने इंडिया में लॉन्च किया है। जो पहला फोन है वो एक बजट फोन है जिसका नाम है भाई रियलमी 5S। तो आज इस वीडियो में हम रियलमी 5S के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी के दूसरे फोन के बारे में जो कि एक प्रीमियम फोन है, इसका नाम है रियलमी X2 Pro। अब वैसे रियलमी X2 Pro को अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशंस को अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का आप लोगों को फोन लग रहा होगा, बट इसके बावजूद मुझे लगता है कि रियलमी X2 Pro भाई फेल हो जाएगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि रियलमी X2 Pro को शायद आप लोगों को परचेस नहीं करना चाहिए। अब मैं जो इतना बड़ा लाइन बोल रहा हूँ कि मतलब भाई सभी जगह तो इसकी तारीफें की जा रही हैं, लेकिन वहीं पर एक ऐसा आदमी जो बोला रियलमी X2 Pro को आपको परचेस शायद नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो मैं इतनी बड़ी लाइन बोल रहा हूँ उसके पीछे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच करना चाहिए क्योंकि अगर आप 30,000 रुपये किसी फोन पर खर्चा कर रहे हो तो भाई आप कम से कम 5 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को देख लो, क्या पता आपको 30,000 रुपये कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट हो जाए। तो चलो यार टाइम वेस्ट करते नहीं है और शुरू करते हैं इसी कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ बता दूं यार कि इस फोन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की जा रही हैं। तो भाई देखो इस फोन की जो सबसे पहली प्राइस निकल के आती है वो तो है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे इस फोन में आप लोग को मिलता है 8GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। अब आप लोग इस प्राइस पॉइंट को अपने ध्यान में रखना और उसके बाद जो मैं आगे फीचर्स बताऊँ उसके बारे में आप सोचना। गाइज इस फोन की जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है भाई इस फोन में आना 90Hz का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले। दोस्तों 30,000 के प्राइस पॉइंट पे ऐसी पहली कंपनी है जो कि आप लोग को 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है, वो भी एक AMOLED डिस्प्ले। और दोस्तों इसी के साथ साथ इस फोन में आप लोग को 50W का सुपर वूक चार्जर देखने को मिलता है। अब दोस्तों कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि इस चार्जर के थ्रू आप अपने फोन को सिर्फ 35 मिनट के अंदर पूरा फुल चार्ज कर लोगे। तो यार सच में काफी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब इतना ज्यादा फास्ट हो गया अभी ये चार्जर और वो भी इस प्राइस पे आप लोगों को मिल रहा है। तो देखो यार मैं जानता हूँ कि फीचर्स आप लोगों को काफी अच्छे लग रहे होंगे सुनने में, और यही नहीं इसके बाद भी दोस्तों इस फोन आप लोगों को सबसे जो लेटेस्ट प्रोसेसर है आज तक का स्नैपड्रैगन 855 प्लस वो प्रोसेसर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा फीचर्स है यार, मैं जानता हूँ इसको अगर आप ऑन पेपर आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल फैन हो जाओगे इस फोन के। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रियलमी X2 Pro इंडिया मार्केट में फेल हो सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अपने इंडियन जो मार्केट है इसमें ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं आप लोग को इसका जीता जाता एग्जांपल दूं तो निकल के आता है आईफोन्स। गाइस अपने इंडियन मार्केट में ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो आज के डेट में भी जाकर के आईफोन 6 को परचेस करते हैं, वो भी फर्स्ट हैंड में। अब दोस्तों सोचो यार आईफोन 6 आज से 4-5 साल पहले लॉन्च किया गया फोन था, लेकिन आज भी कस्टमर्स उसको परचेस करते हैं अपने इंडिया में क्योंकि यार एप्पल का जो ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है और लोग ऐसे शो ऑफ के लिए जो ऐसे मतलब भौकाल बनाने के लिए जाकर आईफोन 6 को आज भी परचेस करते हैं। सर इससे आप समझ तो कि अपने इंडिया मार्केट जो कस्टमर्स हैं वो मतलब ब्रांड को कितना ज्यादा ऐसे ध्यान में रखते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो रियलमी है इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो मतलब उतना अधिक नहीं है और ये कंपनी मिड रेंज फोन्स बनाने के लिए भाई फेमस है। तो मतलब यार जो कंपनी फेमस है 10-15 हज़ार तक के फोन्स बनाने के लिए, अगर उसके फोन्स के लिए लोग 30,000 पे करने जाएंगे तो या तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में जो सबसे पहला बात उठेगा वही उठेगा कि भाई कहे मैं इसके लिए 30,000 रुपये पे कर रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो भाई जब मैं इसको लोगों को दिखाऊंगा अपने दोस्तों को तो उन्हें ऐसा लगे कि यार तुम क्या 10-15 हज़ार का फोन खरीद लाए। तो यार मुझे लगता है कि इंडियन जो कस्टमर्स है अपने उनके दिमाग में जरूर उठेगी क्योंकि यार आप सभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दिया कि लोग ब्रांड वैल्यू के पीछे पागल पड़े हुए हैं बिल्कुल। तो यार इसलिए मुझे लगता है कि इस कंपनी के फोन्स के लिए रियलमी की कंपनी के फोन्स के लिए लोग 30,000 रुपये शायद पे ना करें और इस वजह से ये फोन शायद फेल हो सकता है अपने इंडिया मार्केट। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसे तो वन प्लस भी आए थे शुरुआत में तो वो भी तो भाई सस्ते में फोन्स लेके आए थे और बाद में मतलब इतना अधिक आगे निकल गए कि एप्पल को टक्कर देती है आज की डेट में। बस ये बात भी आप लोग की बिल्कुल सही है कि वन प्लस भी शुरुआत की थी नीचे से और आज वो काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप वन प्लस की स्ट्रेटजी को अगर आप काफ़ी अच्छे से अगर आपको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि वन प्लस ने जितने भी फ्लैगशिप के जो भी फीचर्स थे उन सबको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पर लेके आ गया था। मतलब कि अगर आप वन प्लस वन को अगर आप उठा देते हो तो उसकी प्राइस भाई 20,000 रुपये से भी कम थी और उस समय जितने भी ये सैमसंग के एस सीरीज के फोन थे, नोट सीरीज के जो फोन थे उनके भाई जो लगभग फीचर्स थे जैसे कि उनके प्रोसेसर्स हो गए, फ्लैगशिप प्रोसेसर्स, उनके कैमराज, उस टाइप के फीचर्स भाई कंपनी ने उठा के 20,000 से कम में दे दिया था। तो यहाँ पर वन प्लस की जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में लेकर आने की थी और इस वजह से शुरुआत में वन प्लस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था और बाद में जब उनकी ब्रांड वैल्यू जब वैसे बन गई कि हाँ यार वन प्लस एक अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा इनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, अच्छी खासी इनकी आफ्टर सेल सर्विस है, तो उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी अपने प्राइस को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप रियलमी को देखते हो तो रियलमी भी भाई उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने की कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छे फीचर्स को हम कम से कम प्राइस पर ले आकर दें। लेकिन देखो अगर आप देखोगे 30,000 के प्राइस पॉइंट पर तो 30,000 का प्राइस पॉइंट पर अगर आप देखो तो वन प्लस से कुछ ऐसे फोन्स हैं जो कि अवेलेबल है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में जो कि फ्लैगशिप फोन्स में आते हैं।
तो अगर यहीं पे रियल मी ने इस पूरे फ़ोन की जो प्राइस अगर इसको 25,000 के अगर आप नीचे रखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल वन प्लस की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तब जाके इनकी कंपनी जो है वो आगे चल के शायद सक्सेसफुल हो सकती थी इस प्राइस रेंज के लिए। लेकिन यार 30,000 रुपये रखना वो भी ऐसे बहुत ज़्यादा कोई क्लियर प्राइस नहीं है। हाँ प्राइस अच्छा है, मतलब 30,000 रुपये में इस तरह 855 प्लस का मिलना, अच्छा खासा डिस्प्ले मिलना, ये सब चीज़ें अच्छी बात है। लेकिन यार ये प्राइस मतलब ऐसे बिल्कुल भी इतना क्लियर भी नहीं है कि लोग मतलब बिल्कुल इनकी तरफ ऐसे मूव ही कर जाए। तो लगता है कि इसलिए यार ये जो रियलमी है ये वन प्लस की तरह न बन पाए और शायद ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए इतना कि वन प्लस आ जाए। अगर दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो को देखें इसका मतलब कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे पास चैनल पर विजिट किए हैं तो ऐसी वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए। तो यार तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अब चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अब गाइस मैं आप लोगों को एक लास्ट ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ इस फोन से रिलेटेड जिसको सुनकर के साथ आप लोग बोलो कि हाँ यार ये एक काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है रियलमी एस टू प्रो के फेल होने का। गाइस आप सभी जानते हैं कि रियलमी आज के डेट में भी अपने ओएस के साथ नहीं बल्कि कलर ओएस के साथ फोन को लॉन्च करती है। और कलर ओएस एक ऐसा ओएस है जिसको भाई मुझे लगता है कि इसके जितने भी कस्टमर्स हैं कलर ओएस के उनमें भाई 100 में से 75% तो ऐसे कस्टमर हैं जिनको कलर ओएस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उन लोगों में से भाई मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी कलर ओएस यार ऐसे बिल्कुल बेकार लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे यार ये फोन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। दोस्तों ये कलर ओएस एक ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से रियलमी एक्स टू प्रो शायद फेल हो जाए अपने इंडिया मार्केट में। वैसे यार देखो जो कस्टमर्स है कलर ओएस के रियलमी के वो रियलमी से काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि आप प्लीज़ या कोई दूसरा ओएस लेके आओ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अफवाहें उड़ रही थी कि रियलमी अपना खुद का ओएस भी बनाने वाला है, बट अभी तक ऐसा कोई भी कंपनी ने मतलब ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है और अभी भी कलर ओएस के साथ ही वो फोन को लॉन्च कर रही है। तो मुझे लगता है कि कलर ओएस शायद इस फोन को फेल करने का एक कारण बन सकता है। तो गाइस बस यहाँ पे खत्म होती है आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने के मैंने काफ़ी ज़्यादा समय खर्चा किया इस वीडियो के ऊपर क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करना पड़ गया कंपनी के इस स्ट्रेटेजी को, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ गई है। तो आई होप कि यार आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि रियलमी एक्स टू प्रो साथ फिर सकता है अपने इंडिया मार्केट में। तो अगर आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले भी चैनल पर विजिट किए तो प्लीज़ ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो बस फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम शास्त्रीय मुखाते रहिए और हमेशा अपना ख्याल रखिए।